गुजरात पीएससी आरएफओ 2020-2021। जीपीएससी ने पिछले साल नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन निकाला था और अभी हाल ही में पिछले मंथ 20 जून 2026 को इसका प्रीलिम हो गया है। रिजल्ट अभी नहीं आया है, अवेटेड है, आने वाला है, अब कब आएगा वो जीपीएससी वाले जाने। मेन इशू अपना है मेंस का, क्योंकि एक टाइप से इन्होंने जो डेट है वो पहले से फिक्स कर रखी है इसकी, लगभग शायद 26 या 27 अगस्त के आसपास इसकी डेट है। तो यही मानेंगे कि यही डेट फाइनल है और अपना प्रिपरेशन इस डेट तक हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन तो आ भी नहीं रहा है और जो बताया गया है उसके हिसाब से ये लगभग डेट अपनी फिक्स है, इस पर एग्ज़ाम अपना होगा। तो कुल मिला के अभी आपके पास 20 दिन ही मान लिए आप, क्योंकि जो बीच के 4-5 दिन रहेंगे वो तो वैसे भी हवा हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 20 दिन ये मिल रहा है और प्रीलिम्स से लेके यहाँ तक वैसे भी आपके आसपास जो 50-55 दिन मिले थे आपको बीच में, 50-55 दिन में जो मेंस का सिलेबस है वो छोटा तो है नहीं, काफ़ी बड़ा है, चीज़ें बिखरी हुई ज़्यादा हैं तो कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। 3 या 4 आपके जीएस के पेपर हैं, फिर आपके जो बेसिक हैं जो इंग्लिश वाले और वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो हार्डली 10 दिन किसी सब्जेक्ट को मिल पाते हैं। अब GS3 को 10 दिन में कवर करना संभव है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल तब हो पाता है जब आपको चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएं। अब यहाँ मार्केट में सबसे बड़ी समस्या है कि जिस टाइप का सिलेबस है उस टाइप का आपको कंटेंट मिल नहीं पाता है, कंटेंट है, गाइडेंस है, उनकी थोड़ी समस्याएं रहती हैं। तो बस ये इस वीडियो का पर्पस और इसके आगे की जो फुल अप है उसमें केवल यही है बेसिक कि अगर आपका जो GS3 है जिसमें फॉरेस्ट्री और आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, इसकी आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहां कहां पर क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन में और क्या हो पाएगा, इसमें देख लेते हैं उसे एक एक करके। और क्योंकि एक समस्या स्टडी मटेरियल की है तो उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगेन इस वीडियो का सोल पर्पज गुजरात PSCRF के लिए कोई वीडियो क्लास स्टार्ट करना नहीं है, केवल एक गाइडेंस के लिए है कि क्या अल्टरनेटिव क्रिएट किए जा सकते हैं, कहाँ से क्या मिल सकता है। तो जैसे पहला मुद्दा अपना आता है स्टडी मटेरियल का, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मणिकानंदन जो है उसे ख़रीद ली होगी, और अगर थोड़ा बहुत और हाथ पर चलाए होंगे तो एक बुक और आती है हैंडबुक ऑफ फॉरेस्ट्री, उसे भी ख़रीद लिया होगा। अब अगर आपने इसे नहीं ख़रीदा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, इट्स ओके। नेक्स्ट है जैसे मणिकानंदन है तो अब ये हर चीज़ आपके हिसाब से कवर नहीं करेगी, ये जो बुक्स होती हैं उनके साथ एक तो समस्या यही है कि समय के साथ ये अपडेट नहीं होती हैं, और जो लिख रहा होता है उसे एग्ज़ाम तो देना नहीं है, तो अगर कुछ छूट भी गया तो उसको कुछ बिगड़ता नहीं है। और मार्केट में सिंगल सोर्स है, एक टाइप से मोनोपोली है, तो भाई जो भी आप ख़रीदने जाओगे यही मिलेगी, तो एक तो ये रहा। लेकिन अदर चीज़ क्या की जा सकती है, अपना एक टेलीग्राम चैनल है हॉर्नबिल क्लासेस के नाम से, या फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सर्च करोगे तो आ जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दी गई होगी। वहाँ पर जो 2019 का जो क्रैश कोर्स हुआ था उसकी PDF वहाँ अपलोडेड हैं, बहुत सारी अपलोडेड हैं, रिमेनिंग को अभी इस वीडियो के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों PDF को, ये जो PDF है और ये बुक है, इन दोनों को मिला करके अपनी जो सिलेबस है उसको हिसाब से लाइन टू लाइन फॉलो कर सकते हैं। हर चीज़ सिलेबस को जो है फॉरेस्ट्री में हमेशा लाइन टू लाइन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो सिलेबस में है एटलीस्ट वो तो पूरा कवर होना चाहिए। फिर इसके बाद आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होते हैं उनमें जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको उतना बेटर है, लेकिन एटलीस्ट लाइन टू लाइन तो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये सीधे सिलेबस से लाइन उठा करके क्वेश्चन बना के छाप देते हैं तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो पहले आप अपना सिलेबस कवर करिए, फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत कवर करिए, जिससे क्वेश्चन जब बाहर जाएंगे तो आप उन्हें हैंडल कर सकें। तो मटेरियल के नाम पे आप ये कर सकते हैं।
और जैसे आपका सिलेबस है यूनिट वाइज, तो उसे देखते हैं कि कैसे कहाँ से क्या मिल सकता है। जैसे आपकी फ़र्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको दिया गया है कि जो फॉरेस्ट्री है और एनवायरनमेंट है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी एक टाइप से हिस्ट्री पूछी गई है आपको। अब इसको कहाँ से पढ़ा जाए, तो वैसा तो कोई स्पेसिफिक मिलेगा नहीं आपको। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर ये मुझे इस टाइप का लाइन दे दी जाए और अगर मुझे उस पर क्वेश्चन बनाना हो, तो या तो एग्जामिनर ये सीधा के सीधा सिलेबस से कोई लाइन उठा करके ये लाइन से ही सीधा कोई क्वेश्चन बना दे, या फिर अगर हिस्ट्री में फॉरेस्ट्री के एरिया में अगर जाएंगे, तो इनके पास दो ही जगह है जहाँ कुछ मिल सकता है। और वैसे हम लोगों ने जो सिल्वी कल्चर के नोट्स हैं 2021 के, वो भी कुछ पार्ट उसका फ्रीली अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें भी आप जा सकते हो। यहाँ पर है फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट थ्रू एजेज, तो वहाँ पर ये इस टाइप की जो लाइन है, आप उसे कॉलम है, उसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं वो आपके काम की ज़्यादा हैं, जैसे इनिशियल हिस्ट्री क्या है ये, फिर यहाँ वन महोत्सव का है, यहाँ पर एक नेशनल सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बना था, फिर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनेगा 1952 में, फिर पहले स्टार्टिंग में सेंट्रल बोर्ड बनता है, फिर बाद में नेशनल बोर्ड बन जाता है 2002 के आसपास। तो जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हिस्ट्री है थोड़ा बहुत यहाँ मिल जाएगा, चिपको मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ऑलरेडी फ्रीली अपलोड है, वहाँ से आप ये वाला पार्ट पढ़ सकते हो। यहाँ पर कुछ जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी दिए गए हैं, तो आप उन्हें क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं, तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो कैसे आ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट वाला भी पार्ट है, तो फिर आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ आपने पढ़े होंगे, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक कैसे एक बनना शुरू होता है, जैसे 1972 के आसपास जो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, फिर CBD हुई 1992 में, तो इनका जो एक क्रम है उसे थोड़ा फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश कर लीजिए, जिससे अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो उसे हम हैंडल कर सकें। फिर इसी में आप थोड़ा बहुत इस टाइप के फॉरेस्ट टाइप पढ़ लोगे, उसी नोट्स में दिए गए हैं। और जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एंगल है वो वाला एरिया यहाँ कवर कर देगा, हिस्ट्री वाला पार्ट। इस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो आपको इस नोट्स में भी मिल जाएंगे। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी एक बाई एनुअल रिपोर्ट आती है, गुजरात से रिलेटेड डाटा उसमें मिल जाएगा, उसमें आपको इस टाइप का डाटा मिल जाएगा। हालांकि ये जो दिया गया है ये अपने काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, तो आप छोड़ सकते हो उसे सीधा सीधा। तो ये जो पहला वाला पार्ट है उसे देख सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो PDF मिलेगी आपको 2021 वाली सिल्वी कल्चर की, उसमें इस टाइप से जैसे हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया हिमाचल में आया है, इसी टाइप से जम्मू कश्मीर में अभी पेपर आया था, उन्होंने ये पूछा था कि इंडियन हिस्ट्री को आप कितने पार्ट में या फाइव पार्ट में डिवाइड करने का बोला गया था। तो कोई भी कितने भी पार्ट में डिवाइड कर देता है, अगर आपसे बोला कि फॉरेस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसे आप फाइव पिलर में कैसे डिवाइड करते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसके पांच पिलर कौन कौन से हैं, या तीन पिलर कौन कौन से हैं, कोई भी एग्जामिनर कितने भी पिलर बोल दे अपन उतने पिलर बना लेंगे। सपोज अगर आपको थ्री पिलर में डिस्कस करना हो हिस्ट्री, तो आप कर सकते हो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल और मॉडर्न। अगर आपको फाइव पिलर में कर दिया तो क्या करोगे, इसको हम एक तो कर दे सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर के, जो अपना 1806 से शुरू होता है 1857 तक एक पीरियड ये ले सकते हैं, फिर जो गवर्नमेंट रूल चेंज हुआ था 1857 के बाद, कंपनी रूल से सीधा क्राउन रूल आ गया, उसे लेकर के हम 1947 तक ले सकते हैं, और फिर 1947 के बाद का। तो इस टाइप से तीन पार्ट में हम ये डिवाइड कर देंगे और दो ये, तो पांच पार्ट में हो गया। तो उस टाइम पे जो जो चीज़ें हुई हैं, दो दो चार चार भी अगर याद रही तो अपना काम हो जाता है। नेक्स्ट है अपना सिलेबस का यूनिट टू। यूनिट टू में मैंने सिल्वी कल्चर दिया है,
अब यहाँ पर एक तो ये सिल्विकल्चर के प्रिंसिपल क्या है, फिर इन्होंने दिया है साइट फैक्टर्स। साइट फैक्टर्स में क्या आता है कि जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक, वो सारी चीज़ें हैं। फिर और भी चीज़ें हैं कि फॉरेस्ट का इन्फ्लुएंस कैसा होता है वेजिटेशन पे, वेजिटेशन ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, नेचुरल आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो आपको कुल मिला के ये तो बहुत सारी बकैती ये लिख देते हैं, उससे अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो 2019 का जो सिल्वी कल्चर का नोट्स होगा, या अगर आपने पहले से ही पैड कोर्स लिया है तो 2020 का या 2021 का अगर कोई स्टडी मटेरियल है आपके पास, तो उसमें आपकी यूनिट वन जो सिल्वी कल्चर है वो भी कवर हो जाती है। फर्स्ट टॉपिक जो है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड सिल्वी कल्चर, उसी के पीछे दी गई है हिस्ट्री। दूसरा ये वाला पूरा पार्ट है, यानी कि सिल्वी कल्चर का जो नोट्स है उसे पूरा ही कवर करना है आपको, क्योंकि उसमें जैसे फॉरेस्ट टाइप्स वगैरह जो दिए गए हैं, तो इन्होंने यहाँ यूनिट टू में ना लिख करके नेक्स्ट जो यूनिट थ्री है उसमें लिख दिया है कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया एंड गुजरात। तो वो चीज़ें वहाँ की यहाँ कवर हो जाती हैं, फैली हुई है, लेकिन वो सब सिल्वी कल्चर में यहाँ कवर हो जाता है। तो सेकंड यूनिट देख लो। अब आप सेकंड यूनिट का जहाँ पर मैं केवल एक चैप्टर वाइज एक इंट्रो दिखा देता हूँ, आप इसे देख सकते हो चैप्टर कौन कौन से हैं। मैं यही बोलूँगा कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें सिल्वी कल्चर के जो भी टॉपिक हैं आप उन्हें सबको कवर कर डालो। जैसे टेंडिंग ऑपरेशन है, ये ऐसा टॉपिक होता है जिससे कुछ भी एग्ज़ाम हो इससे तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। नेचुरल आर्टिफिशियल रीजनरेशन है, आना ही आना है। फॉरेस्ट नर्सरी है, एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आ ही जाएगा। और इधर ये जो फॉरेस्ट टाइप और फॉरेस्ट सक्सेशन है, इनसे एक एक क्वेश्चन निकल आता है अपना। तो ये कॉमन सी चीज़ें क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर लोकेलिटी फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये कॉमन से हैं। तो एक क्वेश्चन इधर से, तो ऐसे चार पांच क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, कॉमन से फ्लो है इनका। तो सिल्वी कल्चर आप देख सकते हैं इसे। अब कुछ इशू ये होता है कि सिल्वी कल्चर आप IFS के हिसाब से पढ़ो या आपका GPSC का है, शायद पिछले 8-10 साल में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है आपका, तो पहली बार एक टाइप से जो पेपर बना रहे होंगे वो तो काफ़ी टाइम बाद, मतलब ऐसा फीलिंग आएगा कि हम पहली बार बना रहे हैं। तो एग्ज़ाम UPSC जितना टफ तो नहीं होगा। पहले तो आप ये समझिए कि पेपर बनते कैसे हैं। होता क्या है कि जैसे GPSC ने आपके गुजरात वालों से तो उम्मीद नहीं है कि वो बनवाएंगे। GPSC वालों ने सिलेबस भेज दिया होगा, या तो पंतनगर है उत्तराखंड में, या सोलन है, या तमिलनाडु कोयम्बटूर में। उनके जो हेड हैं इंस्टीट्यूट के, उनको भेज दिया जाता है सिलेबस और बोल दिया जाता है कि भाई हमें पेपर बनाना है। तो जो हेड है इनके पास भी इतना टाइम नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया के हैं। सपोज़ हेड जो है वो जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग का है, तो उसे सिल्वी कल्चर का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, तो वो एक इशू रहते हैं इनके साथ। तो ये लोग करते क्या हैं कि आसपास जो बच्चे हैं उनसे बोल दिया कि IFS की कौन प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस टाइप से IFS के जो क्वेश्चन हैं पिछले साल के आए हुए वो रख लेते हैं, और फिर आपका सिलेबस रख लिया जाता है। तो IFS के जो क्वेश्चन हैं उनको देख करके उन्हें थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करते हैं, और घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पूछ लेंगे। अगर उन्होंने फॉरेस्ट पे क्लाइमेटिक फैक्टर का क्वेश्चन IFS के मिल गया तो ये क्लाइमेटिक की जगह एडाफिक लिख देंगे, लेकिन एवरेज क्वेश्चन का फ्रेमवर्क वही रहता है। यही वजह है कि आप देखोगे कि जो स्टेट PSC हैं अक्सर उनमें जो क्वेश्चन है वो IFS जैसे क्वेश्चन लगते हैं आपको, उन्हीं के क्वेश्चन की एक टाइप से कॉपी कैट सी चलती है। तो अब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ऑलरेडी इस टाइप के जो पेपर थे, जैसे स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, यहाँ पर ये चार सब्जेक्ट के पेपर्स जो हैं उन्हें टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज यहाँ अरेंज कर दिया गया है। और जो आपको नोट्स दिए जो PDF हैं उनमें ऑलरेडी IFS के क्वेश्चन एडिट हैं, तो वहाँ तो कोई इशू है ही नहीं। आप जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाओगे IFS के क्वेश्चन साइड में मिलते जाएंगे वहाँ, और जो स्टेट के क्वेश्चन हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने सिल्वी कल्चर में फॉरेस्ट, फॉरेस्टी एंड सिल्वी कल्चर इसे रेफ़र कर लिया है, तो आप इसके क्वेश्चन इन्हें देख लीजिए और इन्हें करने की कोशिश करिए। आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल IFS के चक्कर में नहीं फंसना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिफाइन फॉरेस्ट, डिफाइन सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर की डेफिनेशन पूछ ले,
या फॉरेस्ट्री की कौन सी ब्रांचेज हैं, आपसे पूछ लिया कि शॉर्ट नोट लिखिए हाई फॉरेस्ट और लो फॉरेस्ट पे, तो क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, जितना आईएफएस का लेवल है उतने नहीं आएंगे। आईएफएस के साथ इशू क्या है कि वो हर साल होता है, तो टीचर नए नए क्वेश्चन कहाँ से निकाले हैं, तो वो दिन ब दिन हर साल उन्हें एक्सप्लोर करते हैं नए नए एरिया को, टफनेस वहाँ क्रिएट की जाती है। लेकिन ये तो क्योंकि 10 साल बाद आ रहे हैं, इनके लिए ग्रीन एरिया है पूरा, तो ये तो कुछ भी बहुत सिंपल सा भी पूछेंगे तब भी फ्रेश क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए यहाँ टफ नहीं जाएगा। तो आप ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हें एक्सप्लोर कर लें, इन्हें ज़रूर कर लें एक एक करके। आपको यहाँ ऑलरेडी पेपर वन सेक्शन ए, पेपर वन के सेक्शन ए और बी दोनों ही अपलोड हैं, और बकाया का जो सेकंड पेपर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी इस वीडियो के बाद अपलोड करवा दिया जाएगा, शायद आज तो नहीं होंगे, कल तक वो हो जाएंगे। तो आप सिल्वीकल्चर वाला पार्ट इस टाइप से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है यूनिट 3, इसमें तो ज़्यादा कुछ लगा नहीं, सिल्वीकल्चर में आप नोट्स में या मणिकनंदन से कवर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है 3 यूनिट, जिसमें है फॉरेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया एंड गुजरात। इस यूनिट के लगभग 5 पार्ट हैं, एक तो फॉरेस्ट टाइप्स किसमें है इंडिया में और गुजरात में है, ये डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का, मैंग्रोव फॉरेस्ट किसमें इंडिया का एंगल रहेगा आपका और गुजरात का एंगल रहेगा, तो 4 पार्ट ये हो गए। फिर आपका है एग्रोक्लाइमेटिक जोन किसमें इंडिया में और गुजरात में, तो आपके 5 और 6 यानी कि टोटल ऐसे 6 पार्ट रहे इस यूनिट के कवर करने के लिए। इसमें जो फॉरेस्ट टाइप हैं वो आपके जो सिल्वीकल्चर के नोट्स दिए गए होंगे उसमें ऑलरेडी सिस्टमेटिक वे में अरेंज है, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि कैसे हैं ये। अगर सपोज आप पुराना कोई एडिशन पढ़ रहे हैं तो जो मैंने आपसे बोला कि स्टेट बेस्ड क्वेश्चन का जो एक समरी है आप उसे यूज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ के ही क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं। तो आपने अगर नया रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, पुराने हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ें इजीली हैंडल कर सकते हैं, बस आप सब टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाता है कि ज़रूरतें क्या है इसकी। तो फॉरेस्ट टाइप आप ऐसे कवर कर सकते हैं इसे। कुछ चीज़ें जैसे चैम्पियन एंड सेथ है इसका, ये जो 16 सब टाइप है इन्हें रट्टा मार लो आप, इसमें बहुत सारी बकैती नहीं करनी अपन को, ये जो 16 है इनका एक बेसिक आइडिया हो इतना चलेगा। अब जैसे ये है ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट, इसके 2 सब पार्ट हैं, इसके फिर सब सब पार्ट होंगे, कौन किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन सी स्पीसीज है, ये याद रखना इस टाइम पे तो संभव नहीं है, तो इसमें बकैती में अपन को नहीं फंसना है, अपन सीधे यही रखेंगे कि फर्स्ट जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उसके अंदर 7 ग्रुप हैं, दूसरी के अंदर 3 हैं, कौन कौन से हैं, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन एक दिमाग में हो, जिससे अगर मैप बनाना हो तो 4-5 फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करके हम लोग मैप बना दें। तो ये तो रहा फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया वाला। अब आते हैं अपने गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन, गुजरात का दिया है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, जैसे आपसे पूछ लिए कि गुजरात में जो फॉरेस्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, जैसे यहाँ OPSC के क्वेश्चन हैं, या जब आप नोट्स देखोगे तो उसमें फॉरेस्ट टाइप्स में भी आपको ऐसे स्टेट वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे गिव फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ ओडिशा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट, बिल्कुल ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप समझ लो, सिंपल सा है कि आपको अपना गुजरात का स्टेट क्या बोल दिया कि भाई अपने स्टेट के फॉरेस्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब ये कैसे कवर करोगे, तो अपने पास घूम फिर के 2 रिसोर्सेज आते हैं, एक तो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट गुजरात वालों की, ये जो वीडियो के साथ ये जो PPT जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आपको इस PPT को डाउनलोड कर लेना है, और जब PPT आपके हाथ में आ जाएगी सॉफ्ट कॉपी में जहाँ भी होगी तो उसमें PDF फॉर्मेट में होगी, तो जो ऊपर ये लिंक दिख रही है आपको, जब आप इस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, या फिर आप गुजरात फॉरेस्ट लिखते होगे तब भी यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है फॉरेस्ट टाइप, और यहाँ इन्होंने ये 4 फॉरेस्ट के टाइप दे रखे हैं, उनका प्रॉपर वे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यहाँ से आप आराम से इनके फॉरेस्ट टाइप को एक फ्लो चार्ट में बना लो, पढ़ लो, एक एवरेज देख लो। आपको बस केवल इतना करना है कि आप अपना नक्शा बना लेंगे स्टेट का और देखेंगे कि कौन सा किस एरिया में है थोड़ा बहुत,
अब जब लिखने को आए सपोज 10 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो केवल नाम से काम चलेगा नहीं, थोड़ा इतना हो कि एक अपना एक या डेढ़ पेज बढ़ जाए, तो उसके लिए आप कोशिश करोगे कि इसका ये जो फॉरेस्ट का टाइप है वो किस एरिया में है, इस एरिया में सॉइल का टाइप क्या है, फॉरेस्ट की जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और थोड़ा बहुत क्लाइमेट से रिलेटेड अगर इशू है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, अगर वो थोड़ा बहुत है जो डाटा दिया हो तो उसे देख लेंगे, इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वगैरह को, तो एक बेसिक हो कि आप लिख सको उसे कम से कम, उतने में अपने ये फॉरेस्ट टाइप से गुजरात वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। एक दूसरा रिसोर्सेज भी है, यहाँ पर देखो ये मैंने बोला है 3B, 4B, 5A, ये लिमिटेड पार्ट में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, यहाँ पर जो है ये बड़े जो मेजर ग्रुप हैं, जो ग्रुप हैं 16 ग्रुप जो हैं फॉरेस्ट के, वो दिए गए हैं और आपको इतने से काम चलाना है, आपको इनकी डिटेलिंग में नहीं फंसना है। जैसे एक सेकंड सोर्स रहता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है, इतनी डिटेलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसे अगर आप पढ़ोगे 2-4 साल होते हैं या 5-6 महीने होते हैं तो एक टाइप से हम लोग कुछ हद तक इन्हें याद भी करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इतना डिटेलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, कॉस्ट बेनिफिट निकलता नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है वो अपने मतलब का नहीं है। इस टाइप से उसमें एक पिक्चर भी दिया गया है कि वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट का, तो ऐसी चीज़ों को कोई पर्पज निकलता नहीं है अपना, इन्हें छोड़ देंगे, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये वेबसाइट पे जो फॉरेस्ट का टाइप है उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो पार्टों को देख लिया कि फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो पार्ट अपना कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना मैंग्रोव्स का, मैंग्रोव्स इंडिया में और स्टेट लेवल पे। तो मैंग्रोव्स की आपको PDF जो 2019 की है वो मिल जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसमें ऑलरेडी पहले से इनफ है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। अब उसमें जो व्यू मिलेगा वो इंडिया लेवल का मिलेगा, आपका गुजरात का ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया गया होगा, तो उसके केस में आप दो काम कर सकते हैं, एक तो ये जो लिंक है इस पर क्लिक करोगे तो एक PDF ओपन हो जाएगी, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें दी गई हैं, बेसिक थीम आपको पता है, तो आपको केवल दो ही चीज़ें गुजरात के बारे में पढ़ने को बच जाती हैं कि एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, जिससे अगर इन्होंने इस टाइप से पूछ लिया कि मैंग्रोव्स किस एरिया में, तो आप कोई मैप वगैरह बना लें। दूसरा जो स्पीसीज है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो यहाँ से 3-4 स्पीसीज को रट्टा मार लो, जैसे एबिसिनिया मैराइना है, मैराइना, क्योंकि एबिसिनिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, इधर मैराइना बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, राइजोफोरा म्यूक्रोनाटा है, कैरियोप्स टगल है, 3-4 को ऐसे याद कर लो, काम हो जाता है, तो जिन्हें कोट करने में आसानी चला जाएगा। या फिर दूसरा रिसोर्सेस आपके पास हो सकता है, ये वेबसाइट गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, इन्होंने यहाँ इसके कंजर्वेशन के जो मेथड जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है आप उन्हें पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लो, 2-4 टर्म मिल जाएँ जिन्हें अपन कोट करने में यूज़ कर सकते हैं, तो उसे देख लो, यहाँ से ये चीज़ें अपने हेल्प हो जाएंगी आराम से, कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे मैंग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं, राइट डाउन मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड मैंग्रोव फॉरेस्ट, अब आपको अगर मेथड लिखना हो तो जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आपको गुजरात से भी रिलेटेड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मेथड है वो वहाँ पर वेबसाइट पर थोड़ा बहुत लिख रखा होगा, तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक फिश पॉन्ड टेक्निक, अब ये साउथ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तमिलनाडु वगैरह में, गुजरात का आइडिया है नहीं कि वो यूज़ करते हैं या नहीं, नहीं भी करते होंगे तो आप अगर इसे लिख दोगे तो कोई गलत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्होंने स्टेट को पूछा होगा पर्टिकुलरली कि स्टेट में मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वहाँ पर अपन को स्टेट का एक एवरेज पता होना चाहिए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में है उसे। जैसे यहाँ एक नेक्स्ट PPT में फिश पॉन्ड टेक्निक वगैरह है, उसके बारे में थोड़ा दे रखा है, और क्योंकि मैंग्रोव्स में पहले गुजरात नहीं था लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा एफोरेस्टेशन किया है कि वो आज के टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट जो स्टेट है मैंग्रोव्स के एरिया में सुंदरबन के बाद, तो एफोरेस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो उस एंगल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लें।
और इस यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिलेटेड IFS में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हैं एग्रोफॉरेस्ट्री से जुड़े हुए, लेकिन यहाँ आपके में सीधा सीधा कर रखा है कि भाई एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया और गुजरात। तो पहले तो आप एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जो डेफिनेशन वगैरह है उसे देख लें। वैसे यहाँ जो विकासपीडिया है उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट दे दिया गया है। कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं बस यहाँ बेसिक बता दूंगा आपको कि जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, मेन मुद्दा है अपना प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन में जो एग्रीकल्चर है उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा था। बाद में जो NARP है, ये ICAR की बॉडी है जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह का, यानी कि अपने इंडिया में एग्रीकल्चर का रिसर्च है वो मेनली सब कुछ इसी के अंडर होता है। तो इन्होंने जो NARP है, इन्होंने देश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर बांटा और इन्होंने शायद 221 जो भी है बहुत सारे कर डाले थे इन्हें। फिर जो अपना NBSS एंड LUP है नागपुर में, इन्होंने इसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा, इन्होंने भी कुछ 21-22 में किया है। लेकिन इन तीनों बॉडी में सबसे जो टॉप की बॉडी थी वो है प्लानिंग कमीशन। प्रधानमंत्री उसके खुद पहले उसके चेयरमैन रहते थे, अब वो अपना भले ही नीति आयोग हो गया लेकिन काम वही करते हैं। तो अभी भी ये जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है उसे ना बोल के ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। तो जब भी आपसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जा रही है, यानी कि ये 15 के बारे में ही बात की जा रही है। इनके बारे में डिटेलिंग आपको इस लिंक पर मिल जाएगी। अब अपने क्वेश्चन ये आते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जो है, जैसे यहाँ लिखा ब्रीफली एक्सप्लेन द एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया, ठीक है, एंड राइट द चॉइस ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया। जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है उनमें क्या चॉइस ऑफ स्पीसीज होगी। तो आपको इंडिया के जो 15 अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उनको देख लीजिए, उनके नाम रट्टा मार लीजिए। पहला तो यही पता होगा कि पर्पज क्या है इनका, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट वाइज, इनका टेम्परेचर, सॉयल, रेनफॉल वगैरह जो है उसको आप देख लीजिए। ये सपोज ये वाला रीजन है तो इस रीजन में कौन सी फूड क्रॉप होती है, कौन सा फॉरेस्ट टाइप है। इन सब का पर्पज केवल एक ही है कि अगर आपसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में आ गया, इंडिया के बारे में आपको लिखना है, तो कम से कम आप एटलीस्ट जो बेसिक है 2-2.5 पेज का जो है या 1.5 पेज का जो है लिखना है आपको, वो कंप्लीट कर पाओ। तो इसमें तो इतना ही रहेगा और इसका सबका सीधा सा पर्पज़ यही है कि अपना 1-1.5 पेज का अगर कुछ लिखना हो तो वो हैंडल हो जाए। कोई आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न हिमालय रीजन में कौन सी क्रॉप नहीं होती है, बस आपको 1-2 फूड क्रॉप पता है, अपना काम हो जाता है। थोड़ा बहुत बेसिक देख लो कि उस रीजन का एवरेज टेम्परेचर क्या है, या फिर सपोज जैसे सॉयल है। अब सॉइल के लिए आपको हर स्टेट का देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने एक जो इंडिया का जो पैन इंडिया जो सॉइल मैप देखा है उसे देखा होगा तो उससे काम अपना हो जाता है। जैसे ये पूरा जो रीजन है इसमें ब्लैक सॉइल होगी, फिर यहाँ पर जो है वो रेड सॉइल होगी, कोस्टल रीजन में एलुवियल हो सकती है और लैटेराइट, वेस्टर्न घाट वाले में थोड़ा लैटेराइट मिल जाएगी, राजस्थान में तो ये डेजर्टिक है। और फिर आप यहाँ ये देखोगे कि आपका जो स्टेट है वो किस रीजन में पड़ रहा, गुजरात प्लेन एंड हिल्स, तो ये 30 नंबर के में पड़ रहा है। तो और एक बात और देखना है कि आप ये देख लें कि गुजरात में क्या ये 14, 8, 9 वाला जो रीजन है क्या ये भी पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर किनारे वाले रीजन में पड़ रहे हैं तो इन्हें भी आपको मेंशन करना पड़ता है अगर ये कवर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो दूसरा है अपना मेनली गुजरात वाला, यहाँ स्टेट का है, इस पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, अक्सर आए हैं लगभग सभी में, तो वो पूछ लेते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सा जोन किस रीजन में। तो आप ये गवर्नमेंट आपकी यहाँ की वेबसाइट है जिसने ये दे रखा है कि भाई हमने टोटल 8 जोन में डिवाइड किया है गुजरात को, तो ये 8 जोन है कौन सा किस में है किस रीजन में है उनको देखो। आप यहाँ पर देखोगे जैसे जोन 5 है तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर करता है, यानी कि गुजरात का कौन सा हिस्सा ये कवर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, यहाँ का एवरेज क्लाइमेट कैसा है, सॉइल वगैरह कैसी है, सॉइल टाइप वगैरह आपने स्टेट जीके में पढ़े होंगे, यहाँ के जो लोग हैं वो फूड क्रॉप में क्या उगाते हैं, और मेनली यहाँ की जो वेजिटेशन है, अगर फॉरेस्ट वेजिटेशन हो तो ज़्यादा बेटर है,
कि यहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन ग्रो करती है। तो अगर इस टाइप से पूछ लें कि गुजरात के एग्रो क्लाइमेटिक जोन से उन्हें लिखिए, तो आप आराम से एक डेढ़ पेज का मटेरियल अपन हैंडल कर लेते हैं। फिर आपकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसने भी यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका, कि आठ जोन का, और यहाँ पर इन्होंने एरिया और टोटल परसेंटेज में भी लिख रखा है। तो ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकती है कि आपको समझ में आ जाए कि सबसे बड़ा जो जोन है वो इस वाले में, एरिड वाले में पड़ जाता है 31%, फिर दूसरे ये दो दो छोटे जोन है, नहीं ये दूसरे नंबर पे आता है, फिर ये बकाए के आते हैं, तो एरिड कम ड्राई जोन। तो इससे थोड़ा एक ऊंच नीच पता पड़ जाएगा। आप उन पर लिखोगे तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हो कि ये हमारे स्टेट का मैं इतना परसेंट एरिया ये जोन कवर करता है। तो यहाँ थोड़ा लिखने में फिलर की तरह ये पॉइंट काम कर देते हैं। तो ये जो अपनी यूनिट 3 थी उसमें तो यही है, मैंग्रोव वाला पार्ट हो गया अपना, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन का हो गया और फॉरेस्ट टाइप का हो गया। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4, इसमें आती है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री या अर्बन, उसी में जोड़ दिया है इन्होंने, दोनों अलग अलग भी हो जाती हैं आजकल, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और एक और पार्ट है इसमें रिजर्व ट्री ऑफ गुजरात एंड देयर मैनेजमेंट। देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, तो आपको गूगल ही करना पड़ेगा कि जो स्टेट का कहीं डाटा मिल जाए वहाँ पर हो। ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री के जो नोट्स अपलोड किए गए हैं टेलीग्राम चैनल पे, पहले से ही अपलोडेड हैं ये, उनमें मेजोरिटी चीज़ें आपको सीधी सीधी मिल जाएंगी, वो इनफ हैं। स्टेट के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ से आप क्वेश्चन हैंडल कर लोगे तो ये यहाँ हो जाता है आपका काम। लेकिन जो हमारे नोट्स हैं उनमें कुछ इशू भी हैं, जैसे यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अंडर डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन, नहीं ये नहीं इशू है, ये तो आपको एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अंडर जो 19 का नोट्स है उसमें भी दिया गया है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी मेडिसिन एंड अदर फ्लोरा एंड फोना। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है वो आप किस लिए कर रहे हैं, कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करना है आपको, या अपना जो गवर्नमेंट है उसका अपने एंगल है कि क्लाइमेट चेंज है उसको रोकना है तो कार्बन सिंक की तरह यूज़ करना है, या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, सॉयल इरोजन है उसको रोकना है, वाइल्ड लाइफ के लिए एक टाइप से नेचुरल हैबिटेट की तरफ थोड़ा प्रोवाइड करवाना है, इस टाइप के एंगल भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिलेबस में इस टाइप का भी है कि मान के चलो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना हो तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ कहाँ रोल प्ले कर सकते हैं, मेडिसिनल वैल्यू है उनकी उस पर आ जाते हैं, फ्लोरा फोना का इशू है, या फिर सस्टेनेबल इनकम है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उससे लिंकेज है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से भी लिंकेज आ जाता है इसका। तो ये जो एंगल है उस पर थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें थोड़ा ध्यान दें। पुराने नोट्स में नहीं है, नए में है, लेकिन 21 वालों में इन्हें कवर किया गया है थोड़ा बहुत। तो ये वाला पार्ट है इसमें एक बार, लेकिन इसके भी आप क्वेश्चन देखोगे इसमें तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, रोल ऑफ फॉरेस्ट्री इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सॉरी रोल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो आप दो चार पॉइंट या फ्लो चार्ट में समझ सकते हैं कि कैसे बना सकते हो आप। थोड़ा उस पर जब एक्सप्लोर करोगे तो 5-10-6 दिन में थोड़ा एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। अब लेने देने वाली बात कर लेते हैं। एक तो है जैसे आप में से अगर कोई IFS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी GPSC दे रहे हैं, तो उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप IFS वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपका GPSC में जो दिया गया सिलेबस है वो कवर हो जाता है। पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें यूनिट्स जो दी गई हैं वो आपको बाहर से निकालनी पड़ेंगी, बाहर से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और एक जो आपकी शायद 6th या 7th यूनिट है आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसमें इन्वायरमेंट है और पॉल्यूशन वगैरह है, वो यूनिट हमारी साइड से नहीं दी गई है, IFS के नोट्स में भी नहीं दिया गया है, क्योंकि आप लोग प्रीलिम के टाइम पे पहले से ही शंकर की जो आती इन्वायरमेंट वाली है या और भी ऑथर हैं उनसे रेफ़र कर चुके होते हो, तो एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट वही चीज़ हो जाती है, रिपीटेशन। और एक है आपकी 12th यूनिट, 12th में ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, समिट वगैरह है, वो वाला पार्ट है, वो हमारी साइड से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट है वो मेजोरिटी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही कम इधर उधर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, रिमेनिंग मिल जाएंगी। तो वो ये कर सकते हैं कि जैसे जो नोट्स लिया है
उसमें केवल वो पार्ट जो आपके सिलेबस में है उसे वो फोल्ड कर सकते हैं, या जो लेबल लगाते हैं बुकमार्क उसे लगा सकते हैं और केवल उतने पार्ट को रेफ़र कर सकते हैं। या फिर केवल जीपीएससी का ही एग्ज़ाम देने का प्लान है, आईएफएस की तरफ मूव नहीं करना है, तो उसके इसमें अल्टरनेटिव ये हो सकता है। देखो बेसिकली तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया आपको कि अगर आप फ्रीली करना चाहते हैं, आपके पास पहले से रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं, तो आप मणिकानंदन को यूज़ कर लीजिए। 2019 वाले जो पीडीएफ हैं, इवन 20 वाला और 21 के जो हैं वो सैंपल ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़े हैं, तो 21 वाले सैंपल की स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो आपको मिल जाएंगे। 2020 का जो सिल्वी कल्चर है वो आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा लगभग, तो उसे आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प हो जाएंगी। और 19 का तो पूरा है ही, उसे देख लो आप। लेकिन अगर आपको सपोज लेना ही है कि नहीं भाई हमारे पास पैसे हैं, डट नहीं रहे हैं, मैं दे दूंगा, तो उस केस में ये किया जा सकता है कि आपको जो 20 और 21 का मिक्स, क्योंकि 21 का पूरा भी देना पॉसिबल नहीं है नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, तो ये नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में आपको गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हाईलाइट या डाउनलोड करके प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, तो आप उन्हें इस टाइप से पढ़ सकते हैं। और जो स्टडी मटेरियल है वो आपकी जैसे यूनिट है तो यूनिट वाइज अरेंज कर दिया जाएगा। जैसे सिल्वी कल्चर है तो उसे तो यहाँ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा सीधा कर दिया, लेकिन रिमेनिंग जो यूनिट है उन्हें आपको आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट वाइज करके आपकी जो 8 या 9 फाइलें बनेंगी, क्योंकि 12 में शायद 2 यूनिट कवर नहीं कर रहे हैं, तो 10 यूनिट होती हैं, तो जैसे सिल्वी कल्चर उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 यूनिट वो अकेले कवर कर लेगा, तो ऐसे आपकी जो 7 या 8 जो फाइल बनेंगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे अगले 48 आवर में। तो एक तो ऑप्शन ये रह जाता है। दूसरा, अगर आपको वीडियो कोर्स भी करना है तो सेपरेट कोर्स देना तो पॉसिबल है नहीं, और आईएफएस का कोर्स आप ज्वाइन करें उतना सारा पार्ट है पूरे करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसमें यही किया जाएगा कि वो वाला वीडियो जो आपके गुजरात पीएससी वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं उनको एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, और उसका यहाँ पर बोल दिया ये 2000 के टोटल टैक्स मिला करके है। 2000 में शायद है 1600 के आसपास कुछ पड़ता होगा, प्लस टैक्स हो जाता है उसमें 1600-1700 होगा समथिंग, 1650 के आसपास, तो ये आपका 4000 के आसपास सेपरेटली पड़ जाएगा। अगर आप दोनों ही लेते हो तो आपको 3540, इसमें 540 आपको टैक्स रहेगा, 18% GST, और 3000 ये है, यानी कि 3000 में टोटल आपको दे दिया जाएगा। अब ये केवल जो जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही लें, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो में अदर स्टेट वाले भी वॉच कर सकते हैं, तो इसमें जो इनका सिलेबस है केवल उतना ही पार्ट दिया जाएगा, अदर चीज़ें यहाँ नहीं हैं। और एक टाइप से ये अल्टरनेटिव है, पर्पज़ तो यहाँ किसका भी कोई मतलब नहीं था, सीधी सी बात है कि अगर आप काफ़ी चीज़ें पहले से कवर कर चुके हैं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा अगर 2019 वाली पीडीएफ दे दी गई हैं, आपके पास बुक होगी उसे यूज करिए, वीडियो बहुत सारे आपने पहले से वॉच कर रखे होंगे उन्हें देखिए, काम उतने में हो जाता है। और अगर आप सपोज लेने के मूड में हैं तो मैं पेमेंट मेथड वगैरह बता देता हूँ कि आप इस नंबर पर जो फ़ोन पे यानी कि इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम नंबर है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, और जो डिटेल रिक्वायर हैं जैसे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जीमेल आईडी जिसे आप यूट्यूब में लॉगिन करते समय यूज़ करते हैं, उसे आपको इस नंबर पर शेयर कर देना है। आपको जो पेमेंट किया है यूपीआई आईडी के थ्रू, गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक ट्रांजैक्शन जो नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और इसी नंबर पे आपको वो जो स्नैपशॉट है या फोटो है जो भी है आपके पास रेफरेंस नंबर उसे शेयर कर देना, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये पेमेंट आपकी साइड से आया। और अगले नेक्स्ट 3 आवर में जो वीडियो वगैरह हैं वो रिलीज हो जाएंगे। पीडीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि जो ऑफिशियल टाइम है यानी कि 10 से लेकर के 5 के बीच में, इस टाइम पीरियड में आपको पीडीएफ रिलीज की जा सकती है, रिमेनिंग टाइम में ऑफ साइड में करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप उस हिसाब से देखोगे किस टाइम पे आप पेमेंट आप उस हिसाब से करें कि वो चीज़ें विद इन जो ऑफिशियल टाइम है उसमें हैंडल हो जाए। डिटेल्स हमें चाहिए पड़ती हैं कि जैसे आपका पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जीमेल आईडी वगैरह, और एग्जामिनेशन का नाम, ये एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिख दें क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो कंफर्म नहीं हो पाता है कि आपने गुजरात के लिए ज्वाइन किया है, एमपी के लिए किया है, किसी अदर स्टेट के लिए किया है। रिमेनिंग अगर आपको पेमेंट करना है तो कहाँ पर कर सकते हैं आप, तो ये जो है 705359, इसमें क्लासेस के नाम से जो है बैंक अकाउंट है वो लिंक है, उसी के यहाँ डिटेल दी गई है क्लासेस की, और ये उसी का यूपीआई आईडी है, तो आप इसे कर सकते हो, प्रेफर इसी को करिए। अगर आप इस पर नहीं करते हैं तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं, आप फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, जो भी आपके पास मीडियम है आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। पेमेंट के बाद स्नैपशॉट शेयर कर देना और काम हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा वो है नहीं उसमें। थैंक यू, देखते हैं अगले वीडियो में जो रिमेनिंग 4 यूनिट हैं उन पर डिस्कस कर लेंगे कि आप कहां पर कैसी चीज़ें कवर कर सकते हैं, और अगर कहीं इशू है आपको इन 4 यूनिट में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बोल दें। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 2 दिन बाद होगा, मीन्स कल का गैप रहेगा, परसों फिर वीडियो आ जाएगा, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि 4 यूनिट के साथ क्या डिस्कशन है, और ज़रूरत पड़ी तो फिर परसों एक लाइव क्लास ली जा सकती है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो कंसर्न हैं आप वहाँ पर 2-डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं उस टाइम पे, तो आपके जो इशू हैं छोटे मोटे होंगे तो वो उन्हें वहाँ पर हैंडल कर लेंगे।